या अल्लाह, तेरी एक मखलूक जो नजर भी नहीं आती, कोरोना वायरस, तेरे हुक्म से इतनी पूरी दुनिया के इंसानों को मुतासिर कर दिया। अल्लाह, सब परेशान हैं, बीमार हैं, मुसीबत में हैं, दुख और तकलीफ में हैं। या अल्लाह, तेरे एक कुन फयकून का इंतजार है। अल्लाह, हमारे गुनाह ना देख, या अल्लाह अपनी रहमत देख। तू तो इंसान को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। या अल्लाह, हमारी मदद को आजा, करम की हवाएं चला दे, रहमत की हवाएं चला दे। या अल्लाह, तेरी रहमत तेरे गुस्से गजब पर ज्यादा है। अल्लाह, कहाँ जाएं तुझे छोड़कर, तेरे अलावा कोई और हम दर्द भी तो नहीं और जगह भी तो नहीं जहाँ हमारी दुआएं कबूल हों। या अल्लाह, तू तो शहरक से भी ज्यादा करीब है, तू तो दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह, तू तो अपने एक हुक्म से जमीन को हिला दे, इसी जमीन में तेरा घर खाना काबा है, इसी जमीन पर तेरे कलमे वाले महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाए मुबारक में आराम फरमा रहे हैं। या अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास बुलाकर शर्फ दीदार बख्शा। उस दीदार के वक्त का वास्ता देकर हम तुझसे अर्ज करते हैं, हर छोटी बड़ी बीमारी से और कोरोना वायरस के अजाब से हमारे मुल्क और आलम इस्लाम को महफूज फरमा। हम गुनाहगार हैं, लेकिन तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इस वबा से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्शे अजीम के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खतादार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तोबा करते हैं, हमारी तोबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, गुनहगार हैं, सयाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह, ऐ परवरदिगारे आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना आता है, तू हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआएं अपने रहमो करम से कबूल फरमा, और जिसने ये दुआ भेजी है और जो सुन रहा है उसकी सारी परेशानियों, तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों से गुजारिश करेंगे कि कोई भी आमीन कहे बगैर आगे ना जाए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करते जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस दुआ में शामिल हो सकें। क्या पता किसके आमीन से अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाए।